फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू वांट मी टू कनेक्ट पर्सनली माय इंस्टाग्राम हैंडल इज lekha_birthday। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ समर ट्रेंडी गाउन्स विच इज फ्रॉम मीशो। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में, आई मीन अंडर 700 एंड बहुत ही ज्यादा मतलब कंफर्टेबल है, ब्रीदेबल मटेरियल है, काफ़ी अच्छे है एंड दिस विल बी अ ट्राई ऑन हॉल। सो मैं आप लोगों को एक एक गाउन्स ट्राई करके दिखाने वाली हूँ एंड दिस विल बी अ ऑनेस्ट रिव्यूज। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट गाउन। सो वाइट कलर का है एंड इसमें कुछ पिंक शेड्स भी है। सो लेट्स सी एंड ऑल्सो गाइज, ये सारे गाउन्स के साथ आपको दुपट्टास भी मिल जाएंगे। सो ये कुछ इस तरह का है, काफ़ी अच्छा मटेरियल लग रहा है, सिल्क मटेरियल, सिल्क का फैब्रिक लग रहा है गाइज। सो काफ़ी अच्छा है। अंदर यहाँ पे अस्तर का भी मटेरियल दिया है, अस्तर तो दिया है लेकिन थोड़ा सा लाइट वेट लग रहा है, थोड़ा सी थ्रू भी लग रहा है। सो इनर कैरी करना पड़ेगा वाइट कलर का एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम वाइट एंड पिंकिश ऐसा कुछ कूल टोन दे रहा है, वाइट दे रहा है। सो काफ़ी सुंदर लग रहा है एंड एकदम सिंपल है, इस समर आप कैरी कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो कुछ इस तरह का है गाइस, इसके स्लीव्स 3/4 स्लीव्स आएंगे एंड आगे से आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा वी नेक का कट दिया है एंड पीछे से ऑल्सो नॉट भी दिया है बांधने के लिए, टाइप करने के लिए। एंड ऑल्सो इसका जो दुपट्टा कुछ इस तरह का है, थोड़ा छोटा लग रहा है बट देखते हैं कि पहनने के बाद ये कैसा लुक आता है। सो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आई मीन मटेरियल भी काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है। सो लेट्स ट्राई दिस वन। सो गाइज, दिस इज हाउ इट लुक्स। सो कुछ इस तरह का है, वेरी मच कंफर्टेबल गाइज। सो ये आप इसे डे टू डे लाइफ में भी वियर कर सकते हो, आई मीन डेली यूज के लिए भी इसे यूज कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एंड ब्रीदेबल मटेरियल है, मटेरियल काफ़ी मतलब इसका जो फैब्रिक है ना काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा है। 3/4 इसके स्लीव्स है, बस इसका जो दुपट्टा है ना काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मतलब इसे जब तक अगर आप पिनअप नहीं करोगे ना तो ये सरकेगा। सो इसीलिए आपको यहाँ पे पिनअप करना पड़ेगा, लेकिन अगर घर पे यूज कर रहे हो तो आप इसे हटा सकते हो। इसको हटाने से भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम वन पीस जैसा लुक आ रहा है। सो काफ़ी सुंदर है, मतलब अभी तो कपड़ा सी थ्रू नहीं लग रहा है लेकिन मॉर्निंग के समय मतलब डे लाइट में ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट लग सकता है। सो इसीलिए सेफर साइड के लिए इनर कैरी कर लेना। सो अभी तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, सिर्फ दुपट्टा इसका थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था बट इट्स ओके, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो जस्ट गो एंड चेकआउट गाइज। सो अप्रूव फ्रॉम माई साइड। देन आर नेक्स्ट गाउन इज ऑफ पिंक कलर। सो ये बाहर से दिखने में कुछ ऐसा बांधनी प्रिंट जैसा लग रहा है। सो यस, ये कुछ इस तरह का है गाइज। वाओ गाइज, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड ऑल्सो इसके साथ दुपट्टा नहीं दिया है गाइज बट इट्स ओके, काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम ऐसे भरा भरा ये गाउन लग रहा है, काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया है, इसके अंदर अस्तर भी काफ़ी अच्छा लगा है, आई मीन थिक मटेरियल है इसलिए ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसे पहनने के बाद ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है, इस पर आप हेवी ज्वेलरी भी कैरी कर सकते हो। इसका जो स्लीव्स है ना गाइज, ये फुल स्लीव्स हैं, थोड़ा सा चूड़ी पैटर्न में आएगा लेकिन शायद तक मुझे ये यहाँ पे लूज आ सकता है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अल्टर करवाना पड़ सकता है, मैं ट्राई करके एक बार दिखा देती हूँ। एंड इसके नीचे से प्लेट्स जो दिए ना वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरा बांधनी प्रिंट है गाइज। सो मुझे तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, सो आई लाइक दिस। सो लेट्स ट्राई दिस की लुक वाइज ये कैसा दिखने में है। सो चलो ट्राई करते हैं। सो गाइज, ये गाउन कुछ इस तरह का लग रहा है एंड बिलीव मी गाइज, मुझे ये कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आई मीन मुझ पर बहुत अच्छा सूट कर रहा है, बस थोड़ा सा लूज लग रहा है एक्चुअली। वैसे स्मॉल साइज में ही ऑर्डर किया लेकिन पता नहीं क्यों तो अल्टर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पीछे से आप देख सकते हैं कि काफ़ी लूज लग रहा है एंड ऑल्सो जैसे मैंने बोला था कि इसके स्लीव्स मुझे लग रहा है कि लूज हो सकते हैं। सो मुझे ना यहाँ से अल्टर करके इसे चूड़ी पैटर्न में करना पड़ेगा। वैसे लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है, कपड़ा इतना अच्छा है, एकदम स्मूथ मटेरियल है, बांधनी प्रिंट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे जो कलर्स होते हैं ना गाइस, जो न्यूली मैरिड है ना उन पर काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि चूड़ा रहता है हाथ में, फिर मेहंदी रहती है, सब कुछ रहता है, एकदम
प्रॉपर इंडियन वाइब लगेगा। सो मुझे तो काफी अच्छा लगा, बस इसे मुझे अल्टर करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन परचेज दिस गाइस, क्योंकि मुझे तो काफी अच्छा लगा, बस अल्टर करना पड़ेगा, दैट्स ओके, आई विल डू इट। लुक वाइज काफी सुंदर लग रहा है एंड ऑल्सो कलर भी काफी अच्छा लग रहा है। आप लोग भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये कलर मुझ पर कैसा लग रहा है। सो मैं अभी अप्रूव दे देती हूँ, सिर्फ अल्टर ही करना है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसका फ्लेयर भी काफी अच्छा है गाइस, इसका लेंथ भी काफी अच्छा है ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं है, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है, काफी अच्छा है। आप अगर हल्के फुल्के हील्स भी पहनोगे ना तो भी काफी अच्छा लगेगा। सो आई जस्ट लव दिस, सो अप्रूव फ्रॉम माय साइड। देन नेक्स्ट गाउन इज ऑफ कुछ ये थोड़ा सा इसे कौन सा कलर बोलेंगे, थोड़ा सा ब्लूइश में आएगा, इसे कौन सा भी नाम भी नहीं है, पीकॉक कलर तो नहीं है, कुछ ब्लूइश कलर में है गाइस। इसे कौन सा कलर बोल सकते हैं प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि मुझे एकदम ध्यान में नहीं आ रहा है, वीडियो ख़त्म होने के बाद ध्यान आ जाएगा। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाइस, मटेरियल भी काफ़ी पूरा सिल्क मटेरियल लग रहा है एंड पूरा इसे मतलब फ्लेयर काफ़ी अच्छा है इसका। सो काफ़ी सुंदर लग रहा है, मतलब जो पिछले दो गाउन्स भी दिखाया ना उसका भी फ्लेयर काफ़ी अच्छा था गाइस। सो कुछ इस तरह का है, पूरा राउंड नेक है पीछे से भी एंड आगे से भी एंड यहाँ पे नॉट दी है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड इसके जो स्लीव्स है ये फुल स्लीव्स है एंड ऑल्सो गाइस इसके साथ हमको दुपट्टा मिला है। सो काफ़ी अच्छा दुपट्टा लग रहा है, इसे दुपट्टे में आपको लेस मिल जाएगी गोल्डन कलर की जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। सो गाइस काफ़ी सुंदर एंड काफ़ी रिच लग रहा है इसे, इस पर आप ज्वेलरी हेवी ज्वेलरी भी कैरी कर सकते हो, आई मीन सिर्फ नेक पीस या फिर इयररिंग्स कैरी कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है पूरा वियर करने के बाद ये काफ़ी अच्छा लगेगा एंड बिल्कुल भी ऐसे ट्रांसपेरेंट नहीं लग रहा है, सी थ्रू नहीं लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। सो लेट्स ट्राई दिस वन। सो गाइज ये ड्रेस कुछ इस तरह का है, ये कलर माइंड ब्लोइंग कलर है, मतलब मुझ पर ही इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा है। थोड़ा सा यहाँ पे लूज है बट इसे अल्टर करना पड़ेगा, सो अगर चाहो तो एक्सचेंज भी कर सकते हैं एक्सेस साइज में, लेकिन मैं देखूंगी एक्सेस करूंगी या फिर अल्टर कर दूंगी। बहुत ही ज्यादा प्यारा है, इसका दुपट्टा भी काफी अच्छा है, वैसे तो ये गाइस पूरा ही प्लेन है लेकिन ये दुपट्टे के वजह से और अच्छा लुक आ रहा है, क्योंकि इस दुपट्टे में ये जो गोल्डन लेस लगाई है ना वो काफी अच्छी लगेगी। तो एंड ऑल्सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस पर नेक पीस से ज्यादा ना बड़े वाले जो हेवी इयररिंग्स होंगे ना वो काफी अच्छे लगेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप ट्राई कर सकते हो। सो मैं भी ट्राई करूंगी। सो ऐसा कुछ लुक है इसका, काफी सुंदर सा है, कलर तो काफी अच्छा है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। सो इसके स्लीव्स कुछ इस तरह के है, ठीक है थोड़े से लूज तो लग रहा है क्योंकि ये पूरा लूज ही है, एक साइज मुझे छोटा ऑर्डर करना चाहिए था बट वो मैं हमेशा स्मॉल साइज ऑर्डर करती हूँ, कभी एक्सेस मैंने ऑर्डर नहीं किया है, लेकिन इसमें मुझे लगता है एक्सेस ऑर्डर करना चाहिए था, बट इट्स ओके मैं इसे अल्टर भी करवा सकती हूँ। सो कुछ इस तरह का ये लुक है, बहुत ही प्यारा सा कपड़ा है, एकदम स्मूथ कपड़ा है, कंफर्टेबल है, ब्रीदेबल है, काफ़ी अच्छा है, कहीं से भी ये चुभ नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, अंडर आर्म से भी ये काफ़ी अच्छा है। सो पीछे से कुछ इस तरह का लुक है गाइज, सो काफ़ी सुंदर है, मतलब आई जस्ट लव इट। सो 101% अप्रूव फ्रॉम माई साइड, आप चाहो तो परचेस कर सकते हो, 2 जून को महासेल आने वाला है, सो जस्ट गो एंड एड मतलब कार्ट में ऐड कर लो गाइज। सो या देन आर नेक्स्ट गाउन इज ऑफ थोड़ा सा हल्दी कलर का लग रहा है, सो लेट्स सी कि कैसा है ये। सो सारे ही मटेरियल ना गाइस थोड़ा सा सिल्क सिंथेटिक में लग रहा है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, फैब्रिक काफ़ी अच्छा लग रहा है, कॉटन का नहीं है अभी तक तो जितने दिखा है कॉटन के नहीं है। सो काफ़ी सुंदर है, आप भी देख सकते कलर कितना अच्छा लग रहा है एंड ऑल्सो गाइज ऐसे ड्रेसेस पे ना चूड़ियाँ अगर एकदम भरी भरी चूड़ियाँ रहेगी ना बैंगल्स रहेगी ना काफ़ी सुंदर, ये एकदम एथनिक वाइब इंडियन वाइब लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। सो ये कुछ इस तरह का है गाइज, कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड आगे से आप देख सकते हैं नेक पैटर्न कितना अच्छा दिया है, हेक्सागन पैटर्न है, पीछे से आपको यहाँ पे नॉट दिया टाई करने के लिए, इसके जो स्लीव्स है अगेन फुल स्लीव्स है, कलर प्रिंट आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, मतलब हल्दी कलर पे इन लोगों ने थोड़ा सा लाइक
ऑलिव कलर जो होता है ना, ग्रीन टाइप में शेड होता है वैसे कलर का प्रिंट डिटेलिंग दी है, काफ़ी अच्छी लग रही है। थोड़ा सा यहाँ पे थ्रेड्स वगैरह निकल रहे बट हम कट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, कहीं से सिलाई वगैरह नहीं निकल रही है गाइस। एंड इसके साथ ये शायद बेल्ट है कि अगर आपको कमर से वेस्ट से अगर लूज होता है तो आप इसे टाई कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो कुछ इस तरह का ये बेल्ट है, यहाँ पे पूरा थ्रेड दिया है। सो चलो मैं ट्राई करके दिखाती हूँ कि ये लुक वाइज ये कैसा लगता है। सो चलो ट्राई करते हैं। सो गाइज दिस इज हाउ इट लुक्स। अब तक का ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा है ना, मतलब फिटिंग वाइज वगैरह काफ़ी अच्छा है, लुक में भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। आप ये हल्दी लुक में क्रिएट कर सकते हो, हल्दी लुक इस पर क्रिएट कर सकते हो, ये ड्रेस काफ़ी अच्छा जचेगा हल्दी में। सो काफ़ी सुंदर इस पर जो प्रिंट भी दिया है ना वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे इस बेल्ट का कोई यूज़ नहीं है, मतलब आप चाहो तो पहन सकते हो, इसका अलग से एक लुक है, लेकिन अगर नहीं भी चाहते हो तो ये उतार सकते हो क्योंकि बिना बेल्ट के भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इवन इसके स्लीव्स मुझे लग रहे थे कि थोड़े लूज होंगे बट नहीं, काफ़ी अच्छे हैं, फिटिंग वाइज काफ़ी ठीक है। यहाँ से हल्का लूज है बट ठीक है, इस पर हम चूड़ियाँ वगैरह पहन लेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। मुझे तो सबसे अच्छा इसका नेक पैटर्न लगा, मतलब जो हेक्सागोन पैटर्न दिया ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पीछे से कुछ इस तरह का है, सो ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा बेल्ट आएगा। पीछे से ये नॉट भी काफ़ी अच्छी दी है। सो ओवरऑल जो ये लुक है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सो गाइज अगर आपको ये परचेस करना है ना, जस्ट गो, मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड ऑल्सो गाइज 2 जून को फर्स्ट संडे महासेल भी आने वाला है, सो डू नॉट मिस दी अपॉर्चुनिटी। आप चाहो तो परचेस कर लेना, मैंने लिंक सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो जस्ट गो एंड चेकआउट गाइज। सो अप्रूव फ्रॉम माई साइड, 101% अप्रूव, सो ये ज़रूर परचेस करना गाइज। देन आर नेक्स्ट गाउन इज ऑफ अगेन थोड़ा सा वाइट एंड पिंकिश शेड में, सिमिलर कलर लग रहा है गाइज, मतलब जो मैंने फर्स्ट वाला दिखा है ना वैसा ही कलर लग रहा है। आपको क्या लगता है? हाँ सेम ही लग रहा है, बस इसके साथ ना आपको यहाँ पे बेल्ट दिया है, अदरवाइज कलर सेम लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न अलग है। पैटर्न भी कुछ अलग नहीं, सेम ही लग रहा है, पता नहीं मैंने कैसे एक ही पैटर्न के ऑर्डर किया है, बट इट्स ओके क्योंकि पिक्चर में कुछ अलग दिख रहा था। सो गाइज ये कुछ इस तरह का है, हाफ स्लीव्स है, मतलब 3/4 स्लीव्स आएंगे इसमें, पूरा पिंकिश कलर दिया है, आई मीन वाइट एंड पिंक कलर के पूरे शेड्स दिए, पूरा फ्लोरी वर्क है, फ्लोरल वर्क है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इसके साथ ये दुपट्टा दिया है, दुपट्टा कुछ इस तरह का है, ये लंबा दुपट्टा है, जो फर्स्ट वाला दिखाया था ना उसमें एकदम छोटा दुपट्टा लग रहा था मुझे। एंड इसके साथ आप लोगों को ये गोल्डन कलर का बेल्ट दिया है, सो मैं ट्राई करके दिखाती हूँ कि ये लुक वाइज कैसा लग रहा है। कलर एंड पूरा फैब्रिक वगैरह सेम है जो फर्स्ट वाला दिखाया था, एकदम सेम प्रिंट एंड सभी सेम लग रहा है। सो दिखने में तो काफ़ी अच्छा है, मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, सिर्फ इसका जो नेक है ना वो दोनों मतलब बैक एंड आगे से राउंड नेक है, सो कुछ इस तरह का है, फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा है गाइज। सो चलो ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई दिस वन। सो गाइज दिस इज हाउ इट लुक्स। मुझे ये ठीक ठाक लग रहा है, मतलब वैसे ये जो पहला वाला जो मैंने ड्रेस दिखाया था ना सेम पैटर्न में है, लेकिन वो उसका लुक थोड़ा अलग लग रहा था, ये कुछ अलग लग रहा है। ये थोड़ा मुझे यहाँ पे चेस्ट के साइड में टाइट भी हो रहा है, नीचे से तो कंफर्टेबल है लेकिन यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा टाइट है। इसकी जो इसका जो दुपट्टा है वो भी काफ़ी स्लिपरी है, मतलब पिनअप ही करना पड़ेगा। सो इसका जो अगर ये बेल्ट नहीं पहनोगे ना, इसका लुक एकदम फीका फीका सा लगेगा, ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जब पहनोगे तो थोड़ा सा हटके लग रहा है, बट पर्सनली मुझे इतना खास मुझ पर ये सूट नहीं कर रहा है। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन परचेस दिस। एंड दुपट्टा बहुत इरिटेट कर रहा है क्योंकि 10 बार गिर रहा है, इसे पिन ही करना पड़ेगा। सो कुछ इस तरह का है। एंड ऑल्सो इसका जो लेंथ है ना ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब छोटा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और हाइट में मतलब लेंथ में चाहिए था, बट इट्स ओके, ठीक ठाक है। अगर आपको अच्छा है 50-50 फ्रॉम माई साइड, क्योंकि इस बेल्ट के वजह से थोड़ा ठीक लग रहा है, अदरवाइज इसका कुछ इतना खास लुक नहीं आ रहा है, एकदम सिंपल सा लग रहा है। तो अगर आप चाहते हो तो इसमें एक साइज, मतलब आपका जो भी साइज हो ना उसमें एक साइज बड़ा ऑर्डर कर लेना, सो डेली यूज में आप इसे यूज कर सकते हो। सो अभी तो बहुत ज्यादा टाइट हो रहा है मुझे गाइस, सो 50-50 फ्रॉम माय साइड। देन नेक्स्ट गाउन इज ऑफ ब्लू कलर, सो ये पूरा फ्लोरल प्रिंट लग रहा है गाइस। वाओ, सो ये हल्का सा कॉटन एंड सिल्क का मिक्सचर लग रहा है,
मतलब हाथ लगाने से थोड़ा सा कॉटन का वाइब दे रहा है गाइस। सो इसके साथ दुपट्टा नहीं दिया है, ये प्रॉपर ऐसे ही गाउन है, सिंपल गाउन है। सो ऐसे गाउन्स ना इस समर आप कैरी कर सकते हो, काफ़ी अच्छे लगेंगे गाइस। सो आप ट्राई कर सकते हो, मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए है, जस्ट गो एंड चेकआउट। एंड ये पूरे साइज जो है स्मॉल साइज में मैंने ऑर्डर किया है। सो कुछ इस तरह का है ये, यहाँ पे क्या, यहाँ पे पॉकेट नहीं, पॉकेट नहीं है, कुछ अलग ही आगे से कट दिया है। सो मुझे लगता है इसके अंदर आपको इनर कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अलग ही इन लोगों ने पैटर्न दिया है एंड आगे से इन लोगों ने ऐसा नॉट दिया है। सो ओके, सो शायद ना ये क्रॉस क्रॉस में आएगा, यस यस। सो ये ना जो नॉट है ना इसे क्रॉस में बांधा जाएगा। सो कुछ इस तरह का है गाइस, कपड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड स्लीव्स इसके फुल स्लीव्स ही लग रहे हैं मुझे। प्रिंट काफ़ी अच्छा है, कलर भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, एकदम डिसेंट सा वाइब आ रहा है। सो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे जो सिलाई दी है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है, जो डिटेलिंग है वो भी काफ़ी सुंदर है, मतलब जो आगे से नेक का जो पैटर्न दिया है वी नेक का, कुछ अलग सा लग रहा है। सो पीछे से ऐसा पूरा फुल है, सो दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम वाइब्रेंट सा कलर लग रहा है, तो मुझे तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। सो लेट्स चेक कि दिखने में लुक वाइज कैसा लगता है। सो लेट्स ट्राई दिस वन। सो गाइस दिस इज हाउ इट लुक्स एंड काफ़ी ज़्यादा बीच वाइब दे रहा है, काफ़ी सुंदर है, पूरा फ्लोरल पैटर्न है, काफ़ी अच्छा है, इसके स्लीव्स भी काफ़ी अच्छे हैं, फुल स्लीव्स है, वाइब तो काफ़ी अच्छी दे रही है एंड इसका जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप गोवा वगैरह जा रहे हो ना तो ऐसे ड्रेसेस काफ़ी अच्छे लगेंगे गाइस। एंड इसके नीचे जो इसके अंदर जो अस्तर दिया है ना वो थोड़ा सा छोटा है, मतलब उसका पैटर्न ही वैसा है, नीज के थोड़ा नीचे आएगा एंड देन ये पूरा ऊपर का पूरा फ्लेयर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब लुक काफ़ी अच्छा है गाइस। पर अगर आप ऐसे छोटे से हील्स बेलीज वगैरह वेयर करोगे ना काफ़ी सुंदर लगेगा, थोड़ा सा डीप है लेकिन आप इसके अंदर इनर कैरी कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी ओपन है थोड़ा सा, सो इसीलिए पूरा ओपन नहीं है, यहाँ तक इसका कपड़ा है, लेकिन फिर भी आप इनर कैरी कर लोगे ना तो इसका जो शेप है वो काफ़ी अच्छा लगेगा थोड़ा सा। एंड इस पे यहाँ पे नॉट दिया है वो भी काफ़ी सुंदर है, मतलब दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, मतलब अगर कहीं बीच पे जा रहे हैं ऐसे घूमेंगे टहलेंगे तो काफ़ी सुंदर लगेगा, फोटोज़ वगैरह काफ़ी अच्छे आएंगे, मतलब जस्ट इमेजिन कर रही हूँ मैं, मुझे लगता है काफ़ी अच्छे आएंगे। सो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो पर्सनली काफ़ी सुंदर लग रहा है, मतलब लुक काफ़ी अच्छा है। सो पीछे से कुछ इस तरह का है एंड आगे से कुछ इस तरह का, एकदम फ्लोरी पैटर्न है, मुझे मतलब वाइब काफ़ी अच्छी लगी इसकी। सो 101% अप्रूव फ्रॉम माई साइड, सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जस्ट गो एंड चेक आउट गाइज। सो गाइज आर लास्ट बट नॉट द लिस्ट गाउन इज ऑफ, ये भी कुछ ब्लू कलर के प्रिंट में है, सो देखते ओपन करके, इसका इसे हाथ लगाने से पता चल रहा है कि ये पूरा सिल्क पैटर्न में है। सो इसके साथ देखते दुपट्टा है या नहीं, सो इसके साथ दुपट्टा नहीं है गाइस। सो वाओ बहुत ही प्यारा लग रहा है, आगे से फिर से देख सकते हैं कुछ ऐसे ही वी शेप में दिया है, क्रॉस में दिया है, कुछ इस तरह का यहाँ पे नॉट भी दिया है, नॉट नहीं दिया, एक ही दिया है। सो इसे शायद ऐसे ही ओपन रखना पड़ेगा एंड इस पर जो प्रिंट दिए वो भी काफ़ी अच्छी प्रिंट लग रही है, कलरफुल प्रिंट दिया है, रेड एंड थोड़ा सा येलो स्टोन में ब्राउन शेड ऐसे कुछ दिया है इस पर। एंड स्लीव्स इसके आई थिंक सो फुल स्लीव्स आ जाएंगे। सो आगे से कुछ इस तरह का वी नेक है एंड पीछे से पूरा राउंड नेक है, फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा है गाइज, एकदम लॉन्ग गाउन लग रहा है। सो बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ा लग रहा है, मतलब इसका जो कपड़ा है वो एकदम सॉफ्ट लग रहा है, सो पहनने के बाद ही पता चलेगा कि कहीं से चुभ वगैरह नहीं रहा है या फिर कैसा है। सो लेट्स ट्राई कि ये दिखने में कैसा लगता है, अस्तर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा सी थ्रू तो लग रहा है, रात के समय में इतना नहीं लगेगा लेकिन दिन के समय में लग सकता है, सो सेफर साइड के लिए इनर कैरी कर लेना। सो कुछ इस तरह का है गाइस, सो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन ट्राई करके देखते हैं, सो लेट्स ट्राई दिस वन। सो दिस इज हाउ इट लुक्स गाइज, कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझ पर, एकदम खिलकर आ रहा है ये मुझ पर एंड इवन ड्रेस भी काफ़ी अच्छा है, बस थोड़ा सा हाइट में मुझे ये छोटा लग रहा है, मतलब गाउन कैसे उसे फ्लेयर ज़्यादा होता है, लंबा होता है, तो ये पता नहीं पैटर्न ही वैसा है या क्या पता नहीं, सो थोड़ा सा हल्का सा छोटा आ रहा है। सो अगर आपको यह अच्छा लगता है तो इसके नीचे आप लेगिंग्स वेयर कर सकते हो इस कलर की एंड थोड़ा सा डीप भी लग रहा है गाइज, बट आप इसके अंदर ये कलर का इनर कैरी
कैरी कर सकते हो जो कि यहाँ तक आएगा तो वो काफी अच्छा लगेगा। सो इफ यू वांट यू कैन परचेज दिस। यहाँ पे ऐसा कुछ नॉट है, इसके जो स्लीव्स है वो भी काफी अच्छे है, मटेरियल फैब्रिक बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है, डे टू डे यूज में भी इसे कैरी कर सकते हो। सो अगर आप ऑफिस वगैरह जा रहे हो तो भी ये अच्छा लगेगा, इस समर के लिए परफेक्ट है, मतलब ज्यादा गर्मी नहीं होगी आपको। सो आई जस्ट लाइक दिस, सो अप्रूव फ्रॉम माई साइड। सो गाइज, दिस वॉज माई 7 ट्रेंडी गाउन्स फॉर समर एंड विच इज फ्रॉम मीशो। सो काफी ज्यादा सुंदर एंड काफी ज्यादा कंफर्टेबल ये गाउन्स लग रहे हैं। सो सबसे ज्यादा आप लोगों को कौन सा गाउन अच्छा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि सारे ही गाउन्स पर्सनली काफी अच्छे थे गाइज, मुझे तो काफी अच्छे लगे एंड अफोर्डेबल रेंज में, काफी अच्छा फैब्रिक है, मटेरियल वगैरह काफी अच्छा था। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन परचेज, क्योंकि अभी आने वाला है फर्स्ट महासंडे सेल जो कि आने वाला है मीशो पे 2 जून को। सो प्लीज ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी, आपको जो भी अच्छा लगता है ना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जस्ट गो एंड चेक आउट गाइस। सो सेल को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, मैं भी जरूर शॉपिंग करूंगी। सो दैट्स इट एंड ऑल्सो गाइज, गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मत भूलना, मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। सो प्लीज मेक श्योर टू पार्टिसिपेट एंड जितना हो सके इन्वाइट्स लेकर आओ एंड प्लीज इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना गाइज, प्लीज प्लीज। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी सेफ फ्रेंड्स।